What's the weather? Wait today. In the sun, it's the snow, it's the windy. What's the weather? It's so cloudy, it's the windy. What's the weather? Wow! हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग सब? और आज है मंडे, हैप्पी वाला मंडे। और पता ही है मंडे को अनिरुद्ध का स्कूल नहीं रहता है, सो अनिरुद्ध इज एट होम और अभिरूप स्कूल गया है, उज्जवल भी ऑफिस गए हैं। सो आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही अच्छे टिप्स शेयर करना चाहती हूँ जो कि हर घर में बहुत ही यूज़फुल रहता है, क्योंकि मैक्सिमम हर घर में ही बच्चे होते हैं और उन्हें बिजी रखना एक टफेस्ट काम रहता है। सो आज मैं आप लोगों के साथ बच्चों से रिलेटेड ही कुछ टिप्स शेयर करने जा रही हूँ कि किस तरह से हम लोग 4 to 5 years old के बच्चों को बिजी रख सकते हैं कुछ गुड यूजफुल एक्टिविटी के साथ, क्योंकि हर समय टीवी देखना अच्छा नहीं लगता है। बच्चों को अगर दे दो तो अराउंड वो लोग घंटों पे घंटे आराम से टीवी देख सकते हैं, बट दैट्स नॉट गुड एंड दैट्स नॉट हेल्दी, राइट? इट्स नॉट हेल्दी फॉर योर किड एंड फॉर देयर आईज। सो मैं यूजुअली अपने बच्चों को रात को 1 hour के लिए टैबलेट देखने देती हूँ। अगर उन्हें जो भी अच्छा लगे कार्टून वो लगा देती हूँ, या तो टीवी देती हूँ मैं देखने के लिए जो भी उन्हें अच्छा लगे, लेकिन ऑल द टाइम आई डोंट अलाउ देम टू वॉच टीवी। सो मैं आज आप लोगों के साथ कुछ टिप्स शेयर करने जा रही हूँ जो कि बहुत ही यूजफुल है, और यूजुअली ये टिप्स मैं अपने बच्चों के साथ यूज़ करती हूँ। तो चलिए देखते हैं क्या क्या टिप्स है। सो फर्स्ट मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ कि उनके टॉयज, कुछ एक्टिविटी टॉयज जो कि इस तरह से ब्लॉक्स, इस तरह से जो ब्लॉक्स आते हैं मैग्नेटिक वाले, वो ब्लॉक्स बहुत ही हेल्दी रहते हैं, बहुत ही अच्छे रहते हैं। सो उनके ब्रेन डेवलपमेंट के लिए भी ये बहुत अच्छा रहता है। सो इस तरह से ब्लॉक्स बहुत फायदेमंद रहते हैं कि ये कुछ भी शेप बना सकते हैं। सो लेट्स सी, मैं दिखाती हूँ कि इस तरह से हम बच्चों को बिजी रख सकते हैं। इस तरह से ब्लॉग्स के थ्रू हम बच्चों को थोड़ा इनकरेज कर सकते हैं, ये नए नए शेप बना सकते हैं, एंड दैट मेक देम हैप्पी। और अदरवाइज टीवी देखने से तो कुछ डेवलपमेंट नहीं होता है। सो इस एज के लिए इस तरह के ब्लॉग्स बहुत ही हेल्पफुल रहते हैं। वाओ, व्हाट इज द कलर अनिरुद्ध? Purple, blue, green and orange. Very nice. See? Good job, yes. That's correct. Yes, what is that? That's the big is trap. 2 traps. Yes. That's that? Correct? Mm. Whoa, very nice. So do you like it? Yes. That's going to be 2, 3, 1, and correct. That's the house. Yes. So मेरी second tip है बच्चों को busy रखने के लिए इस तरह से कुछ छोटे छोटे books जो कि बहुत ही helpful रहते हैं, बहुत ही अच्छे रहते हैं। इसमें बहुत ही छोटी छोटी स्टोरीज रहते हैं जिसको हम बच्चों के साथ पढ़ सकते हैं, और क्योंकि ये लोग किंडरगार्टन जाने वाले हैं, सो थोड़ा बुक अपने से रीड करना भी ये लोग सीख जाते हैं। सो इस तरह के बुक बहुत ही अच्छे रहते हैं। सो मैं दिखाती हूँ कि किस तरह से मैं इसे पढ़ाती हूँ। सो दिस इज बुक अनिरुद्ध। Checking the weather. Checking the weather. Yes. So do you know any song about the weather? What's the weather? What's the weather? I thought it's called What's the Weather? I did it. Yeah, you know the song, right? Yeah, can you show them, Anirudh? What's the weather? What's the weather? What's the weather like today? Is it sunny? So आपने देखा ना, इस तरह से इस ऐसे बुक से रिलेटेड हम उनसे कुछ पूछ सकते हैं कि आपको क्या पता है, टेल मी. सो अनिरुद्ध, दिस बुक इज ऑल अबाउट चेकिंग द वेदर. ओके, या आई चेक माइन, लेट्स चेक माइन. यस, इज द माय स्कूल डे. यस, the mom reads the newspaper. So which one is newspaper, Anirudh? This one is newspaper. And what is this? Dad. Dad. Dad watches TV. It's not a TV. Yes, it's a TV. Wait, no, that's the laptop. Yes, that can be laptop. Okay. And I go outside. Is this the door? Yes. Mike uses the computer. This is computer. Yes. Meg listen to the radio. Okay. So this one is, Anirudh, this one is radio. This one is? Laptop. Yes. Paper. And this one is? Paper. Newspaper. Newspaper. And this one is? TV. Yes. So this book is nice. Next one. So next tip है मेरे बच्चों को बिजी रखने के लिए. ये है कलरिंग बुक, जो कि मेरे बच्चों का फेवरेट है और वो लोग बहुत ही पसंद करते हैं. सो कोई भी कलर बुक जो आपको इजीली मार्केट में मिल सकता है. यहाँ पे डॉलर ट्री बेस्ट रहता है, जिसमें $1 में आप एक अच्छा कलरिंग बुक खरीद सकते हो. सो मैं दिखाती हूँ कि कैसे अनिरुद्ध यूज़ बहुत ही इंजॉय करता है. साथ में कलरिंग बुक अभिरूप को भी बहुत ही अच्छा लगता है. सो लेट्स सी कि किस तरह से बच्चे इंजॉय करते हैं. वाह, व्हाट आर यू डूइंग, अनिरुद्ध? Look at this, the color. Yes, show me. Wow. Can you move your hand? Show them. Wow, two color. That's the nigga in the tree. Yes, color here. Very nice. It's looking very beautiful, Anirudh. So इस तरह से हम बच्चों को बहुत ही अच्छी तरह से बिजी रख सकते हैं, क्योंकि बच्चों को कलरिंग करना बहुत ही अच्छा है. और हाथ में पेंसिल या तो कलरिंग क्रेयॉन्स का ग्रिप आना भी बहुत ही जरूरी रहता है. यस, किंडरगार्टन के लिए. सो बहुत ही अच्छा और बहुत ही हेल्दी रहता है. So you can use this method when they are become very cranky. So मैं usually coloring book देती हूँ जब वो लोग बहुत ही बोर हो जाते हैं. ऐसा करने से उनका भी टाइम पास बहुत अच्छा से हो जाता है. सो कलरिंग बुक करना बहुत ही अच्छा रहता है. इससे हाथों में भी बहुत ही अच्छा ग्रिप आता है, पेंसिल पकड़ने के लिए, क्रेयॉन्स पकड़ने के लिए, क्योंकि किंडरगार्टन में यूजुअली थोड़ा थोड़ा पढ़ाई स्टार्ट होता है. सो आप जब भी बच्चे क्रैंकी रहते हैं, जब भी बहुत बोर होते हैं कि बहुत बोर हो रहा हूँ मैं, तो ये हमेशा करती हूँ. एक कलरिंग बुक तो मेरे घर में हमेशा ही रहता है. जब मैं उन्हें दे देती हूँ कि कलर करो, अभिरूप को भी मैं यही बोलती हूँ जब बोर होता है कि मम्मा क्या करूँ क्या करूँ. सो मैं उसे भी बोलती हूँ कि तुम कोई फोटो बनाओ देन कलर करो। सो ये बहुत ही अच्छा मेथड है बच्चों को बिजी रखने के लिए। सो आप बारी है थोड़ा बच्चों को पढ़ाना। सो नेक्स्ट स्टेप है हम प्री स्कूलर को कि थोड़ा हम उन्हें कैसे पढ़ा सकते हैं। सो लेट्स चेक इट। सो अनदर टिप है मेरा बच्चों को पढ़ाने के लिए। सो पढ़ाई तभी स्टार्ट करें बच्चों का जब उनका मूड बहुत ही अच्छा हो, क्योंकि अच्छे मूड में अगर बच्चे थोड़ा पढ़ते हैं तो वो बहुत ही अच्छी तरह से सीखते हैं। ज़बरदस्ती करने से बच्चे एकदम भी नहीं सीखते हैं। सो मैं उनको पढ़ाई करवाने के लिए कुछ एक्टिविटी बुक करवाती हूँ जो कि बहुत ही अच्छा है, जो कि बच्चे किंडरगार्टन के लिए जा रहे हैं। सो मैं दिखाती हूँ कि नंबर्स सिखाना या तो उनको ABCD सिखाना, वर्ड सिखाना बहुत ही अच्छा है। सो लेट्स चेक कि मैं कैसे इसे नंबर्स सिखाती हूँ। सो ये एक्टिविटी बुक बहुत ही अच्छा है नंबर्स के लिए, ट्रेसिंग के लिए। व्हाट इज दैट? लेट्स स्टार्ट। 2, 3. Good job. Where'd you get the tree, Mama? Where'd you get the tree? Yes, find it. Where is the tree then? 1, 2, 3. The 4. Yes. It's B right here. Good job. And what's 4 next? Tell me. 5. Yes. It'd be 5. How it could be a 5? Then these no 7. No. 5 then. It'd be 6. Good job. It'd be 6 is good. Yes. Okay. Let's try. Try 6. Yes. Then what? Say like this: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6. Okay, then let's 6. 6 then 7. 7. One, 2, 3, 4, 5, 6, 7. But then what's 8 in next? 8. It'd be down. It'd be down right here. The next 8. What 8 is the next? I did the 8, 9, 10. Good job. Look. तो आपने देखा ना बच्चों को इस तरह की बुक कितना अच्छा लगता है। ऐसे एक्टिविटी बुक बहुत ही अच्छे लगते हैं बच्चों को। सो इस तरह के एक्टिविटी बुक के साथ आप बच्चों को पढ़ाइए तो आप देखिएगा कि उनमें बहुत ही फ़र्क आएगा, बहुत ही हेल्दी वे से वो पढ़ना पसंद करेंगे। क्योंकि अगर हम ज़बरदस्ती करते हैं बच्चों को यस सो बहुत ही अच्छा रहता है। सो नेक्स्ट है मैं दिखाती हूँ किस तरह से मैं उसे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में किस तरह से मैं अल्फ़ाबेट सिखाती हूँ। सो लेट्स फाइंड आउट। Away. So another way to busy your kid is this type of card जो कि Dollar Tree में बहुत ही easily मिल सकते हैं। इस तरह से कार्ड को अगर हम बच्चों के साथ थोड़ा पढ़ते हैं तो उनका भी टाइम स्पेंड हो जाता है और वो लोग भी काफ़ी कुछ सीखते हैं। सो मैं दिखाती हूँ ये कार्ड्स को, ये बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही अच्छे होते हैं थोड़े वर्ड्स को सीखने के लिए, स्मॉल वर्ड्स को बच्चों को थोड़ा मेमोराइज रखने के लिए कि क्या है, कौन से वर्ड्स देख के वो लोग बोल सकते हैं कि व्हाट इज दिस। सो अब तो पढ़ना बहुत हो गया, अब सबसे अच्छा बच्चों को रिलैक्सेशन है, उनका फेवरेट खेलना जो कि उनको बहुत ही अच्छा लगता है, कार्ड्स के साथ एनीथिंग व्हाट एवर दे लाइक। सो इस तरह से उन्हें खेलने दें, साथ में थोड़ा टाइम आप भी उनके साथ स्पेंड करें। सो मेरी लास्ट बट नॉट लीस्ट टिप है बच्चों के साथ खेलना। मैंने आपके साथ शेयर किया कि बहुत सारे पढ़ाई के टिप्स, साथ में मैं शेयर करूंगी बच्चों के डेवलपमेंट के लिए उनके साथ थोड़ा प्ले करना, थोड़ा टाइम स्पेंड करना भी बहुत ही ज़रूरी होता है। इससे बच्चों को भी अच्छा लगता है, इंडिपेंडेंटली लाइक वो लोग आप लोग के साथ अपना शेयर कर सकते हैं एक्सपीरियंस। सो खेलते खेलते भी आप उन्हें बहुत ही नॉलेज दे सकते हैं। सो थोड़ा रिलैक्सेशन के लिए उन्हें थोड़ा खेलने दीजिए, बाहर दीजिए। बाहर तो यहाँ पे तो अभी बहुत ही ठंडा है, सो बाहर जाना पॉसिबल नहीं होता है, लेकिन एटलीस्ट आप कभी भी वीकेंड में इंडोर भी एक्टिविटी बहुत सारे होते हैं, वहाँ पे लेके जाइए तो बच्चों को बहुत ही अच्छा रहता है। अगर वेदर बहुत अच्छा है तो बाहर भी थोड़ा खेलने के लिए पार्क में या तो कहीं पे लेके जाइए। सो मैं अभी दिखाती हूँ कि मैं घर में भी उनको थोड़ा रिलैक्सेशन के लिए कैसा टाइम देती हूँ। ये खेलते हैं अच्छी तरह से, उन्हें बहुत ही अच्छा लगता है। सो लेट्स सी। होपफुली आपको ये जो टिप्स मैंने दिया है आप लोगों को, आज जो आप लोगों के साथ टिप्स शेयर किया है कि किस तरह से मैं अपने बच्चों को बिजी रखती हूँ जब वो घर पे रहते हैं। सो होपफुली अगर आपको ये टिप्स और ट्रिक्स अच्छे लगे हों तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा आज के इस वीडियो को, और अगर आपके पास और सारी टिप्स हैं तो ज़रूर शेयर कीजिएगा कि आप किस तरह से अपने बच्चों को बिज़ी रखते हो। और आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। होपफुली आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो, और जो मेरे इस चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं so please subscribe my channel. So that's it for today everyone. Say bye bye. Bye bye. See you in my next video. Bye.